हो गए 1, 2, 3, 4। ए पांडू, ये तू काहे की गिनती कर रहा है? हमारे शॉप में इतने लाखों का फायदा हुआ है क्या? नहीं सेठ, ये दुकान कितने दिनों में बंद होने वाली है बताओ। मेरी बर्बादी देखना चाहता है? मार डालूंगा तुझे। ए, वो फिर आया। और भाई तुम्हारी माँ मिल गई ना? हाँ मिल गई, वो मेरे घर में। और ये वही वाली माँ है ना? सेम मदर, नो डिफरेंस। ये डेफिनेटली क्रैक है, जयललिता मिल गई कह रहा है। चलो चलो। भाई तुम्हारी माँ तुम्हें मिल गई ना, हमें भी उनसे मिलाओ ना। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। अब क्या हुआ? सास बहू में लड़ाई हुई और बीबी छोड़कर चली गई। ओहो, तो अब तुम्हें तुम्हारी पत्नी नहीं मिल रही है? तुम्हारी पत्नी सुपर है, इसीलिए सुपर मार्केट में आए हो। उसकी फोटो तो होगी ना, तो फिर जल्दी से दिखाओ। ये लीजिए। रंबा है सेठ। रंबा? रंबा तुम्हारी पत्नी है? मेरी पत्नी सिर्फ मुझे रंबा दिखाई देती थी, अब वो तुमको भी रंबा दिखाई दे रही है। इधर आ। कह रहा रंबा इसकी पत्नी है। पागलपन का दौरा फिर से पड़ गया, ये बात है। अच्छा सुनो भाई, सुनाइए। तुम्हारी पत्नी हमारी दुकान में आकर इमली, पापड़ या कोई भी चीज खरीदने आएगी ना, तो मैं उन्हें संभाल कर तुम्हारे पास ले आऊंगा। अब तुम जाओ। आप फोटो रख लीजिए। रख लेता हूँ। ओके। ये क्या यार, बार बार दुकान में आकर पनौती लगा कर जाता है। अपनी दुकान के अलावा उसे कोई और दुकान नहीं मिलती क्या? सुपर मार्केट सुपर है ना, वैसे भी थोड़े दिनों में बंद होने वाली है, इसलिए आखिरी वक्त में आकर मिलकर जा रहा है। आराम से बाइक पर बैठकर जल्दी आ सकते थे ना, तांगे पर मजमा लगाने की क्या जरूरत थी? ये सब ठीक लगता है? गांव में गांव के संस्कारों के अनुसार ही रहना चाहिए, आप चुप रहिए। अच्छे संस्कार हैं। घर पहुंचने तक तुम्हारी कमर लचक जाएगी, बेकार में परेशानी बढ़ जाएगी। ना, आप चुप रहिए, वहाँ आगे देखिए। नमस्ते मालिक। नमस्ते। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। कैसे हो तुम? नमस्ते मालिक। आप आने वाले थे इसीलिए ये रास्ता साफ करवा दिया। अगर आज से ही हम यहीं पर रहना शुरू कर देते सारे घर चकाचक हो जाएंगे। वाह क्या बात कही है मालिक। और माधव भैया? जी मालिक। क्या हाल है, बड़ी जल्दी दादा बन गए? सब ईश्वर की कृपा है मालिक। क्यों रे, एक साल हुआ नहीं और तू बाप भी बन गया, बहुत फास्ट है रे। मालकिन बैठिए ना। ये क्या लक्ष्मी, कहीं तुम्हें बिठा कर मुझे यहाँ से भगाने वाले? कैसी बातें करते हैं, चलिए अंदर चलते हैं। चलिए चलिए। नमस्कार। अले 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 अले। लीजिए। कैसे हो बेटा? बेटा अपने बाप पर गया है? हाँ जी मालिक, अपने हाथों से पहली बार बच्चे को शहद चटाइए ना मालिक। ए, तू बड़ा होकर मेरी तरह बनना। हा? लड़का नहीं लड़की है। ओहो, मतलब तुम्हारी चांदी है, ये लो इसे शहद चटाकर अपने जैसा बनाओ। क्या कहा? मेरा मतलब तुम्हारी तरह महालक्ष्मी बने, ऐसा आशीर्वाद दो। हो गया। बच्चे का मुंह तो मीठा हो गया, अब हमारा मुंह मीठा कब होगा? आप हमारे घर में? क्यों, क्या समस्या है? मेरी सोच ऐसी बिल्कुल नहीं है, आप लेकर आएंगे या मैं लेकर आऊं? देखिए कोई भी आसमान से नहीं टपका है, सब माँ की कोख से आए हैं। ये लो बेटा। ये लीजिए मालिक। बहुत स्वादिष्ट है, तुमसे भी अच्छा बना है। ऐसे मत देखो, जो भी करना है घर में चलकर करना है। ठीक है माधव भैया। हाँ, आगे दीजिए। जी मालिक। जी नमस्ते, ये लीजिए। हाँ, चलती हूँ मैं। अब तक जितनी भी लड़कियों की शादी हुई वो एक दो साल में माएं भी बन गई, लेकिन मालिक को उस भगवान ने अब तक बच्चे का सुख नहीं दिया। आहा, शंकर पार्वती की तरह आपको भी शीघ्र ही गणेश भगवान जैसा पुत्र प्राप्त होगा। ओम शिवाय नमः। अरे बिटिया, तुम्हारा विवाह हुए कितने दिन हुए? सिर्फ 3 वर्ष हुए ना। चिंता करने की कोई बात नहीं है, विवाह के 10 वर्ष बाद भी जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई उन्होंने यहाँ प्रदक्षिणा करके पुत्र प्राप्ति का सुख लिया। तू चिंता मत कर, ये खुशखबरी तुझे 3 महीने में मिलेगी, ये ईश्वर की कृपा है। पति के हाथ लगाए बिना बच्चा कैसे होगा? मैं कोई पुराने जमाने की कोई सती सावित्री हूँ क्या? तो तुम बेकार में ये प्रदक्षिणा किसके लिए कर रही हो? पति को बुद्धि देने के लिए। आहा, सुनो, पहले जो करना है वो करो, उसके उपरांत प्रदक्षिणा करो, नहीं तो इस प्रयोजन का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पंडित जी, आप मेरे लिए कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं, ये दक्षिणा रख लीजिए। मैं प्रदक्षिणा कर रहा हूँ तो अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ।
शादी के 5 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ सोचकर मेरी बहन बहुत दुखी है। अगर मुझे बच्चे हो भी गए तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। जिस दिन उसके घर में बच्चे के आने की खुशखबरी सुनूंगा उसके बाद ही अपने बच्चे की सोचूंगा। अब मैं चलता हूँ। आहा, बहुत टेस्टी बना। खाना बनाने में तुम्हारा जवाब नहीं है। और क्या बनाया? सच में तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ए, मैं कब से बोलने जा रहा हूँ और तुम शांत खड़ी हो? क्या हुआ लक्ष्मी, आज तुम्हें क्या हो गया है? आखिर बताती क्यों नहीं हो? एक बात कहनी है, आप सुनेंगे क्या? शादी हुई तब से तुम्हारी बातें सुनता रहा हूँ। आज कौन सी नई बात है, बताओ क्या पूछना है? आप दूसरी शादी कर लीजिए। पानी लीजिए। इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तुमने क्या कहा, मैंने ठीक से सुना नहीं, एक बार फिर से कहो, बताओ क्या कहा? हमारी शादी को 5 साल हो गए लेकिन अभी तक बच्चे नहीं हुए। आगे भी होंगे या नहीं ये भी नहीं पता। गांव के बच्चों को अब तक आप ही खाना खिलाते आ रहे हैं लेकिन हमारे बाद ऐसे बच्चों को खाना खिलाने वाला कोई भी नहीं होगा। आपके दादाजी, आपके पिताजी के लिए आप, आपके दादाजी के लिए आपके पिताजी, लेकिन आपके इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी वारिस नहीं है। मैं माँ नहीं बन सकी, ये बात मुझे बहुत सताएगी। मन तो करता है कि इस तरह की जिंदगी जीने की बजाय एक ही बार मर जाऊं तो बहुत अच्छा है। इसलिए इसलिए कह रही हूं मैं कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। ओहो, मेरे दिल की बात तुम्हें कैसे पता चल गई? मैंने एक लड़की देख भी ली है। आपने लड़की भी देख ली? हाँ। कहाँ की है वो? वही रामपुर की है। लड़की तुम्हारी जितनी सुंदर तो नहीं है लेकिन लगभग तुम्हारे जैसी ही है। मतलब बात काफी आगे बढ़ चुकी है। वैसे उसका नाम क्या है? गीता देवी है। गीता देवी? उसे सिर्फ देखा ही है या और भी कुछ हो चुका है? छेछे, तुम्हारे साथ मिलकर रहना है, तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है उसे, ऐसे में तुमसे नहीं पूछूंगा क्या? अच्छा छोड़ो, वो बात फिर कभी करेंगे, पहले खाना परोसो। ऐसे खाना परोसते हैं? पहले तो कभी ऐसा नहीं परोसा, अपने हाथों से नहीं खिलाओगे? हाँ, जब वो आएगी ना उसी के हाथ से खाना और उसी से चिपके रहना। हाँ। ये सब क्या लगा रखा है? हाँ? सिर्फ खाना खिलाने से काम हो गया? फल वगैरह कौन खिलाएगा? हाँ? आओ आओ। मोगरे के फूलों में क्या सुगंध है। मुझे गले लगाने की बजाय मुझसे दूर जा रही हो लक्ष्मी। ए सुनो ना लक्ष्मी, लक्ष्मी बात सुनो कीजिए। ए लक्ष्मी, लक्ष्मी सुनो मेरी बात सुनो। ए लक्ष्मी देखो, लोग तो हजारों बातें करेंगे, मैंने कभी तुमसे बच्चे की बात की है क्या? पहले खुद ही बेकार की बातें निकालती हो और खुद ही नाराज हो जाती हो। आओ लक्ष्मी, ए आओ, बोला ना। मैं नहीं आऊंगी। ठीक है मैं ही आ जाता हूँ। गुस्सा तेरा वल्ला वल्ला नखरे तेरे। एप्पल खाओगे? नहीं? ठीक है। गुस्सा नहीं करते लक्ष्मी, 5 साल में हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ, यही बात है ना? इन 5 सालों में हमने कभी डॉक्टर के पास चेकअप करवाया है क्या? कल सुबह होते ही हम दोनों डॉक्टर के पास चलेंगे और टेस्ट करवाएंगे। अगर टेस्ट में कमी मेरे अंदर नजर आई तो तुम दूसरी शादी कर लेना। नहीं। क्यों, तुम कुछ भी कह सकती हो और मैं कुछ नहीं कह सकता क्या? और सुनो, दोबारा कभी शादी की बात की ना तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। पहले से ही मेरे दांत कमजोर हैं और आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखो, जब तुम्हारे सारे दांत गिर जाएंगे और तुम पोपली बुढ़िया हो जाओगे ना, तब भी मेरे सपनों की रानी तुम ही रहोगी। लक्ष्मी, आज के बाद तुम कभी भी बच्चों के बारे में बात मत करना। यूं समझ लो मैं तुम्हारे लिए बच्चा हूँ और तुम मेरे लिए बच्ची हो, ठीक है? आप मेरे लिए बच्चे हैं और मैं आपके लिए, अच्छा है। हाँ। लेकिन खानदान के लिए वारिस की जरूरत नहीं होगी क्या? हाँ वो तो है। उठो 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 उठो। अरे, अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे खानदान के लिए वारिस नहीं चाहिए क्या? आप भी ना। आ,
सेठ वो पागल फिर यहाँ आ रहा है सेठ। चुप हो जा, वो चला जाएगा। यहाँ कोई नहीं है भाई, मेरा यकीन मानिए कोई नहीं है, आप अपने घर चले जाइए। आप लोग यहाँ चोरों की तरह क्यों छुपे बैठे? नीचे छुपे नहीं थे भाई, हम कुछ जरूरी सामान ढूंढ रहे थे। अच्छा, तुम्हारी माँ और पत्नी मिल गई क्या? हाँ मिल गए, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। आओ तुम्हारी माँ और पति से मिलते हैं। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। अब क्या हुआ? दो साल से हमें हमारा घर नहीं मिल रहा है सर। तो अब तुम्हारा घर कहाँ गया है? दिस इज टू मच। भाई साहब आपने अपने घर का फोटो तो लिया होगा ना? आप बहुत समझदार हैं। ये तो ताजमहल का फोटो है और इसे शाहजहां ने बनवाया था। अच्छा, शाहजहां ने मेरे पास गिरवी रखा था। शाहजहां तुम्हारे पास गिरवी कैसे रख सकता है भाई? ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में इसे बनवाया था मेरे भाई। उसने ऐसा कहा? हाँ। देख लूंगा सर, इस घर के लिए दिन रात एक करके सिंगापुर में जमीन खरीद के बड़े प्यार से वहाँ इसे मैंने बनवाया था सर। आगरा में बनवा कर अंधेरी में ढूंढ रहा है तू? मुझे लगता है सर जरूर किसी ने इसे किडनैप करके आगरा में रखवा दिया होगा। हो सकता है, जाकर उसकी खबर लो। ओके सर। हाँ? एक छोटी सी बात पूछनी थी। क्या है? आगरा कहाँ पर है सर? आगरा दिल्ली के करीब है। और दिल्ली किस गली में है सर? इन्हें क्या हो गया, ये भी पागल तो नहीं हुए? देखो भाई, एड्रेस तो बताना मुश्किल है, लेकिन हमारे सेठ से पैसे लेकर मैं जल्दी जल्दी दिल्ली की गलियों में जाकर गली गली को छान मार के दिल्ली में जो तुम्हारा घर ताजमहल है उसे वहाँ से उठाकर हाथ में लेकर यहाँ ले आऊंगा। तू कितनी समझदारी से समझा रहा था, किसके बाप का पैसा लेकर दिल्ली जाएगा? ए, बता दे रहा हूँ, अगर उस पागल ने दोबारा यहाँ पर कदम रखा ना तो तुझे तिरुपति भेजकर तेरा मुंडन करवा दूंगा। थैंक यू सेठ, बहुत दिनों से तिरुपति जाने के बारे में सोच रहा था, आज मौका मिल गया। अच्छा तो फिर तिरुपति कैंसिल। ए, उस नाई को जल्दी लेकर क्या, मैं इस साले यहीं पर मुंडन करवा देता हूँ। राम राम माले। तुम लोग कौन हो? वो मेरी बेटी यहाँ आई थी इसीलिए। बेटी? वो अंदर छोटे मालिक उसके साथ कुछ कर रहे हैं। ची 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 ची, तुझे अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है? अरे जमींदार के वंश में पैदा होकर ऐसी घटिया हरकत करते हो, शर्म नहीं आती? छोड़ो छोड़ो मुझे। ए, तूने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। हे भगवान, ये कैसी संतान मुझे दे दी। बाबूजी क्या हुआ, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? इस गाँव में किसी ने आज तक ये गलती नहीं की, आपने दिन दहाड़े उनके घर में किया। आपका नाम खराब ना हो इसलिए मैंने उन्हें घर में लाकर किया। तो फिर आपको समझना चाहिए बाबूजी, अभी तो मेरी उम्र है, बेवजह नाराज क्यों हो रहे हैं बाबूजी? अरे जरा पसीना तो पोंछ लो। ए, ची, सच है हम लोगों ने भी गलतियां की हैं, पर जो भी किया है इस तरह चुपचाप किया है कि किसी को पता न चले, और तू अपनी करतूत पूरे गांव को दिखाता है। तूने गीता के साथ जो किया है उसके लिए पंचायत बुलाई गई है, उसका फैसला करने के लिए शंकर सिंह राठौर आ रहा है। अगर गीता ने भरी पंचायत में सबके सामने अपना मुंह खोल दिया तो? अगर उसने मुंह खोला तो मैं यहां से भाग जाऊंगा क्या? गलती की है तो उसका जवाब ही मुझे देना आता है बाबूजी। वैसे गीता पंचायत में पहुंच ही नहीं पाएगी, मैंने पहले ही उसे उठाने का बंदोबस्त कर दिया है बाबूजी। ओए रुक जा, ए रुक, भाग के किधर है? रुक, भाग के कहां जाएगी? ओए रुक, ए बचा, भाग के किधर है? भाग ले जा, भाग के कहां जाएगी? रुक, अरे किधर भी जाएगी, भाग ले जा, 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 भाग ले जा,